Well, my dear students, our next law is the Factories Act 1934. Now let's move on to have a bird-eye view of the law and what are the contents of this very law. So, my dear students, this topic is introduction to the Factories Act 1934. Chapter 1 relates with the preliminary. और इसके जो कंटेंट्स हैं वो हैं शॉर्ट टाइटल मिलेगा इसमें आपको इसका नाम लिखा मिलेगा एक्सटेंट मिलेगी कि कहाँ तक ये लागू है कमेंसमेंट इसकी कब हो रही है फिर इसमें आपको डेफिनीशंस मिलेंगी डेफिनीशंस क्या होती हैं मैंने आपको बारहा बताया है डेफिनेशंस हर लॉ में डेफिनीशंस का पोर्शन होता है ये बेसिकली उस लॉ को समझने की डिक्शन होती है डिक्शनरी होती है ये ग्लॉसरी होती है इसमें टर्म्स होती हैं इसमें सेंस बयान की जाती है कि यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल होगा उसका यह खास मानी है रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे मिलेगा इसमें सीजनल फैक्ट्रीज को डिफाइन किया जाएगा पावर टू अप्लाई प्रोविजन एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज टू सर्टन अदर प्लेसेस की बारे में बात होगी पावर टू डिक्लेयर डिपार्टमेंट्स टू बी सेपरेट फैक्ट्रीज कौन कौन से हैं वो बताए जाएंगे

लाइट सा इंट्रोडक्शन होता है लाइट सी बातें होती हैं इंट्रोडक्शन में और जो डिटेल्ड बातें होती वो तो चैप्टर्स में होती है। तो देखें आपके सामने चैप्टर टू आ गया इसकी भी डिटेल्स हैं इसमें आपको इंस्पेक्टिंग स्टाफ का जो इसमें जो टाइटल है वो नजर आएगा इंस्पेक्टर्स नजर आएंगे पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स के मुतल बात होगी सर्टिफाइंग सर्जन के मुतक बात होगी क्लिनलीनेस के मुतल बात होगी तो फैक्ट्री से मुतल बातें आपको पता चलेंगी कि वहां पर क्या सिविलाइजेशन है जो होनी चाहिए वर्किंग सिविलाइजेशन क्या होनी चाहिए डिस्पोजल ऑफ वेट्स एंड एफुलेंट्स के मुतल बात है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर के मुतल बात है इसका मतलब है कि फैक्ट्री को बंद कमरा नहीं हो सकती उस फैक्ट्री को फैक्ट्री कलाने के लिए जरूरी है कि ये जो लॉ है फैक्ट्रीज एक्ट का इसको मनो अप्लाई किया जाए डस्ट एंड फर्फ्यूम्स के मुतल बात है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के मुतल बात मिलेगी ओवर क्राउडिंग के मतलब बात मिलेगी लाइटनिंग के मुतलक बात होगी ड्रिंकिंग वाटर के मुतल बात इसमें मिलेगी लॉ में और स्पीटून्स के मुतल भी बात मिलेगी तो मैड स्टूडेंट्स जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये कंटेजियस और इन्फेक्शियस डिजीज के मुतलक भी आपसे बात करेगा कि उनका क्या प्रोसेस है उनको कैसे एंटरटेन करते हैं कैसे उनकी रेमेडीज हैं कंपलसरी वैक्सीनेशन एंड इनऑकुलेशन के मुतल भी बात होगी तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है बेसिकली सिविलाइजेशन है कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है वहां पे वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए चैप्टर फोर क्या कहे और किसके है रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट के मुतल फैक्ट्री में क्या रिस्ट्रिक्शन है रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट चैप्टर फाइव क्या कहेगा स्पेशल प्रोविजन फॉर एडोलेसेंट्स एंड चिल्ड्रन चिल्ड्रेन भी एक सिविलाइजेशन का हिस्सा है कि फैक्ट्री में जो एडोलेसेंट्स हैं और हैं उनके मुझे क्या स्पेशल हैं चैप्टर पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स कोई भी ला मुकम्मल होता ही नहीं है जब तक उस की कॉन्ट्रवेंशन के अगेंस्ट में ऑफेंसिस को डिटर्मिन ना किया जाए और उसके अगेंस्ट पेनल्टीज और किस तरह उस पेनल्टीज पर पहुंचना है प्रोसीजर क्या अप्लाई करना है वो डिक्लेयर ना किया जाए तो लॉ मुकम्मल ही नहीं होता तो माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर सेवन ऑफ द फैक्ट्री एग्जैक्ट रिलेट विद सप्लीमेंट होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इंडी